दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे मखाना विकास योजना 2023-24 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप भी 2023-24 में मखाना की खेती करना चाह रहे हैं और सरकार से 75% तक के अनुदान सब्सिडी राशि का लाभ लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सो ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने का पूरे प्रक्रिया बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों मखाना विकास योजना 2023-24 का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये इनका नोटिफिकेशन है, पहले आप इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से जान लीजिए, फिर मैं आगे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि विभाग मखाना विकास योजना 2023-24 बिहार का मखाना पोषक तत्वों का खजाना। मखाना की खेती करने पर राज्य सरकार दे रही है 75% की सब्सिडी। अब जानिए कैसे आपको सब्सिडी मिलने वाले है, तो यहाँ देखिए इसको लेकर पूरी जैसे जानकारी दिया गया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्रमांक संख्या एक में बताया गया कि मखाना के उन्नत प्रजाति स्वर्ण विदेही एवं सबोरा मखाना एक का बीज उत्पादन के लिए लागत मूल्य जो है वो 0.97 लाख रुपए से लेकर 75% तक की सब्सिडी राशि मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत कुछ ही जिला आवेदन कर पाएंगे, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर दो में बताया गया कि मखाना का नया क्षेत्र विस्तार खेत प्रणाली का लागत मूल्य है 0.97 लाख रुपये, 75% की सब्सिडी। और यहाँ देखिए जिला का नाम जो दिया गया, इन जिला के अंतर्गत आप आते हैं तब आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर में बताया गया मखाना भंडार गृह 0.5 MT लागत मूल्य 10 लाख रुपये का 75% सब्सिडी, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा। उसके बाद यहाँ देखिए बीज वितरण कार्यक्रम के बारे में बताया गया, जिनमें कि 5400 रुपये हेक्टेयर बीज का मूल्य, 75% सब्सिडी। और यहाँ देखिए कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया। अब यहाँ पे दोस्तों आवेदन को लेकर जानकारी दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर 2023 से ही जारी कर दिया गया। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने के लिए विजिट करें, ये जो लिखा है horticulture.bihar.gov.in, इस वेबसाइट से आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए आप जानिए कैसे आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों अगर आप मखाना विकास योजना 2023-24 का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद उस ब्राउजर में आपको टाइप करना है horticulture.bihar.gov.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह सर्च करते हैं, नीचे की तरफ आना है, और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मखाना विकास योजना, और यहाँ देखिए आवेदन करें, सिंपली आपको आवेदन करें पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया, इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ लेना है, उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करें दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपना किसान पंजीकरण संख्या यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, और उसके बाद आपको विवरण प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है। विवरण प्राप्त करें पे आप जैसे ही करें दोस्तों, अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आवेदित जमीन या अवयव का विवरण। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आवेदित जमीन का पता और किसान पंजीकरण का पता एक ही है, तो ऐसे में आपको इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे कि दोस्तों अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है, जिसमें कि जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत, गांव का नाम सब ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है तो इस तरह से पिन कोड लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से सिंचाई का स्रोत पूछा जा रहा है, किस माध्यम से आपने जो पानी डाले, जैसे कि बोरवेल, नहर, कुआं या अन्य, तो अन्य है तो आपको अन्य पे क्लिक कर देना है। उसका सिंचाई का पंप पूछा जा रहा है, यानी बिजली पंप से या डीजल पंप से, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अभी अब पूछा जा रहा है, जिनमें कि यहाँ पे देख सकते हो बताया गया कि मखाना बीज वितरण कार्यक्रम या मखाना का क्षेत्र विस्तार खेत प्रणाली या मखाना भंडार गृह, तो जिसके लिए आवेदन करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह से मखाना का क्षेत्र विस्तार खेत प्रणाली पे क्लिक कर दिए। उसका किसान का प्रकार पूछा जा रहा है, रैयत या गैर रैयत, गैर रैयत है तो गैर रैयत के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो गैर रैयत पे क्लिक करना है, रैयत के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो रैयत पे आपको क्लिक कर देना है। आप दोस्तों के जो जमीन पे आप मखाना की खेती करेंगे उस जमीन का यहाँ पे खाता संख्या लिखना है, यहाँ पे खेसरा संख्या लिखना है। उसके बाद आप इस तरह से स्कोर करें
तो यहाँ पे देखिए आपको रकबा एकड़ में बताना होगा। तो अगर एक एकड़ नहीं है, आधा एकड़ है, तो आधा एकड़ जितना बनता होगा वो उतना लिख लेना। इसी जगह मान लीजिए दो तीन जगह आप जैसे खेती करें मखाना का, तो आपको सिंपली क्या करना है, ए न्यू रो पे क्लिक करें, इस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो इसी तरह से एक और कॉलम खुल जाएगा, दूसरे जमीन का डिटेल भर लेना है। लेकिन एक ही जगह खेती करें तो ऐसे में आपको ये एक ही कॉलम में पूरा डिटेल भर लेना है जमीन का। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे दोस्तों एकड़ नामक कागजात आपको अपलोड करना होगा। अब एकड़ नामक कागजात क्या है, तो उसके लिए आपको इस तरह से ऊपर की तरफ आना है और यहाँ देखिए एकड़ नामक प्रपत्र है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से ये जैसो PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें जो भी जानकारी मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनके नाम से आवेदन करें उनका नाम, उनके पिता या पति का नाम, ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला, मैं निवासी हूँ, खेती, तो ये आपको पूरे बारीकी से भर लेना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जिनके नाम से आवेदन करें उनका सिग्नेचर करा लेना है और यहाँ पे आपको जो दो आपके बगल के किसान जो होगा या जो गवाह होगा उनका नाम और पता लिख लेना है और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करा लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को वेरीफाई कराना होगा, तो वेरीफाई आप किसके माध्यम से कराएंगे, सत्यापन करता है कृषि समन्वय या प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी, इन तीनों में से किसी एक से आपको वेरीफाई करा लेना है। और वेरीफाई कराने के बाद आपको ये अपलोड करना होगा, तो अपलोड करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी वो उनका स्कैन कॉपी होगा वो आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो अपना अपलोड करना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो फोटो आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया, इन्हें आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और इस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से राइट चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, तो आपका सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।